वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या है, इट इज नथिंग बट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल एलिमेंट। उस एलिमेंट की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी दूसरा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। देयर इज नथिंग एनी काइंड ऑफ द इंप्योरिटीज इन्वॉल्व इन दैट एलिमेंट। अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा। उसी तरह से अगर जर्मेनियम की बात करेंगे तो उसमें प्योर फॉर्म में जर्मेनियम ही अवेलेबल होगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा और ना ही तो किसी तरह की इसके अंदर कोई इंप्योरिटीज होगी। सो दिस काइंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जनरली हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि हम सेमीकंडक्टर के केसेस में जनरली हम इन दो एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, which is called the silicon and another one is called the germanium। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अगर हम तो इसके एंड में यानी कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इज 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? 4 हैं। और इसके केस में कितने अवेलेबल हैं? 4 अवेलेबल हैं। और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड है वो भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपकी जो पी ऑर्बिटल है उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कॉम्पोनेट कर सकता है? 6 कर सकता है। जबकि इसके पास टोटल है कितने इस वक्त प्रेजेंट? 2 प्रेजेंट है, और बाकी के 4 को गेन कर सकता है ताकि अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिलिकॉन क्रिस्टल बनता कैसे है। बात ये, उसी तरह से अगर हम जर्मेनियम के केस में देखते हैं तो जर्मेनियम को भी 4 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत पड़ती है इसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स का एक स्ट्रक्चर ध्यान दिया, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट्स। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो इसके सराउंडिंग के जो जितने भी आपके सिलिकॉन एटम अवेलेबल होंगे टू फॉर्म अ क्रिस्टल, क्या बनाना है हमें? क्रिस्टल तो बनाना है। तो क्रिस्टल बनाने के लिए इसके सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे, सिलिकॉन एटम जो प्रेजेंट होंगे, वो सिलिकॉन एटम करेंगे क्या? वो अपना ऑक्टेट करने कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? देखो ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, लेकिन इसको चाहिए कितने और? 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये नियर बाय सिलिकॉन एटम से शेयरिंग कर लेगा इस तरह से। उसी तरह से ये भी इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये इस तरह से, ये इसके साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, इसके नियर बाय एटम्स के साथ भी शेयर करेंगे, और ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, और ये इसके साथ शेयर करेगा। इन दैट वे ये भी इस तरह से अपनी शेयरिंग करेंगे, बाकी के जो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके साथ ये शेयरिंग करेंगे। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे सिलिकॉन एलिमेंट जो है एक दूसरे के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपने ऑक्टेट को क्या करेंगे? ये कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो क्या होगा देखो यहां पे, जब इन्होंने शेयरिंग की और शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया तो इन्होंने ये जो बॉन्डिंग बनाई एक दूसरे के साथ, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला गया इसको? कोवेलेंट लेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाया इसने? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इसके बीच में। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया एट 0 केल्विन के ऊपर। कहां पे? 0 केल्विन पर। ठीक है, तो 0 केल्विन पर इन्होंने क्या किया, हर एक सिलिकॉन एटम्स के साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और शेयरिंग करने से इन्होंने कौन सा बॉन्ड क्रिएट किया एक दूसरे के साथ?
कोवेलेंट बॉन्ड शेयर किया, क्लियर है बात ये। तो जब इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने शेयर किया आर्यन के साथ, तो ये बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो फ्री नहीं होंगे, कहां पर, एट जीरो केल्विन के ऊपर, क्लियर है बात ये। अब यहां पे हम देखते हैं जनरेशन ऑफ, किसकी जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जनरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि अब चार्जेस कैसे क्रिएट होंगे, अब उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे चार्ज कैसे क्रिएट होंगे, जब मैं इस सिलिकॉन क्रिस्टल को क्या करेंगे, जब हम इस सिलिकॉन क्रिस्टल को कहां लेके जाएंगे, तो रूम टेम्परेचर पर सेट करेंगे, रूम टेम्परेचर पर सेट करेंगे। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेट 300 केल्विन के ऊपर हम जब इसको सेट करेंगे तो क्या होगा, इन सिल्क क्रिस्टल्स को एक थर्मल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर इन क्रिस्टल्स को क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिल रही है। जब थर्मल एनर्जी ये गेन करेंगे तो क्या होगा, ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी आएगी तो वो वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो ये दूसरे सिलिकॉन के साथ क्या होगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अब निकल के फ्री हो गया है, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये फ्री हो गया इन द क्रिस्टल, ठीक है। जब ये फ्री हुआ तो यहाँ पे इसने एक वैकेंसी छोड़ दी, यानी कि यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए खाली। इस वैकेंसी को हम नाम से बोलते हैं होल्स, क्या बोला जाता है इसको, होल्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन में ये वैकेंसी क्रिएट होगी, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि थर्मल एग्रीगेशन की वजह से कहीं और से भी इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाए, यहां से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं किसकी हेल्प से, बीटा हेल्प ऑफ द थर्मल एग्रीगेशन की वजह से। तो यहां पे इस होल्स को कवर अप करने के लिए हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया तो यहां से भी क्या हो रहा है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी मतलब फिर से एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है एक रैंडम फैशन में होती है, दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है, तो क्या होगा, ये रैंडम फैशन में होगा। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक पैटर्न में चले कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, हो सकता है यहां पे जब वैकेंसी क्रिएट हो गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, तो इसको कवर अप करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के आया हो इसको कवर अप कर लेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दे कैन फिल अप और दे कैन फिल अप ऑल दिस होल्स इन द रैंडम फैशन, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के इसको कवर अप कर ले, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं आएगी इसके लिए। So in that way we can produce this charge carrier. इनको हम क्या बोलते हैं, charge carrier. But the amount of this current due to these charge carrier, which they are due to the free electrons as well as the holes. अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई holes भी charge carrier है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब electron यहाँ से निकल के बाहर गया तो यहाँ पे जो holes produce हो रहे हैं, That hole is of the positive charge. कैसा चार्ज होगा इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, अरे भाई जहां पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो हमारा होल होता है उसको हम एज ए कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह, ठीक है। किसकी वजह से होता है कि इन्फ्लुएंस की वजह से, टोटल चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है वो पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज टेकन एज द पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एटम लेता हूं तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मान लो टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है और दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच करके बाहर भेज देता हूं तो देखो इन्फ्लुएंस किसका ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। तो इसको हम किसकी तरह कंसिडर करेंगे, एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह, क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को चार्ज कैरियर क्यों बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास चार्ज कैरियर होते ही हैं, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो होल्स भी एक चार्ज कैरियर की तरह ही काम करते हैं। कैसे, देखो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था,
ठीक है, इसको फिल अप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, इसने इसको कवर अप कर लिया, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई। अगर फिर से शिफ्टिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, मतलब होल जो है शिफ्ट हो रहा है, लगातार इसकी पोजीशन जो है शिफ्ट हो रही है। तो इसी शिफ्टिंग की वजह से हम क्या बोलते हैं कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द चार्ज कैरियर इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द होल, अनदर वन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुई बात? ये सेमीकंडक्टर के अंदर कितने तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ द चार्जेस। कहां पर स्टार्ट होगी जनरेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज एट द 300 केल्विन के ऊपर स्टार्ट होती है। क्लियर हुई बात? अगर हम इनको मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये अगर इन क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवा देता हूं, क्या हुआ, दो तरह के चार्ज कैरियर क्रिएट हुए, कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन हुआ और दूसरा होल्स हुए। क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि होल्स के ऊपर चार्ज मैंने अभी बताया आपको कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर इन क्रिस्टल को मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवा देता हूं, तो जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवाऊंगा तो ऑब्वियसली इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल्स विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्रिस्टल के अंदर जो मूवमेंट होती है चार्जेस की, वो दोनों की वजह से ही होती है। करंट जो कंस्टिट्यूट होगा वो इन दोनों चार्जेस की वजह से ही कंस्टिट्यूट होता है। और ये पॉसिबिलिटी कब होगी, इट इज टेकन एज द 300 केल्विन के ऊपर अगर हम इसको सेट करते हैं, इन दैट वे वी कैन फॉर्म दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड द जनरेशन ऑफ द चार्ज कैरियर। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या हुआ, अब हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का मतलब हुआ कि जैसे ही हम यहाँ पे इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आए इस क्रिस्टल को, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वहां से डिटैच हो गया, उसने अपना बॉन्डिंग तोड़ दी, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जहां पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां पे होल क्रिएट हो गया। अब जब होल क्रिएट हुआ तो इस होल को फिलअप करने के लिए कौन आया, अरे इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस होल को फिल अप कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस। चार्ज फिर से उसने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसको अट्रैक्ट किया किसने, इस पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सेट हो जाए जा करके फिर से बॉन्डिंग बना ले। तो इसी ये प्रोसेस जो है लगातार चली रहती है, ठीक है। बट दिस प्रोसेस नॉट इन द ओरिएंटेड फॉर्म, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होती है, पैटर्न में नहीं हो रही तो मतलब किस फॉर्म में होगी, एक रैंडम फैशन में होगी, कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कहीं से भी कोई होल जो कहीं और से भी फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा कुछ डिसऑरिएंटेड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम इसको एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा देंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि सारा का सारा पैटर्न में होगा। कैसे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, होल्स हो गया। मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवा दिए क्रिस्टल को, ठीक है। थोड़ा ये करते हैं फिर समझते हैं इसको, क्या किया है मैंने, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सप्लाई करवा दी है। देखो इसको कैसे होगा, देखो जब मैंने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवाई, थर्मल रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ठीक है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं थी, रैंडम मोशन में ये मूव कर रहे थे सारे के सारे होल्स, तो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं थी। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवा दी, पॉजिटिव यहां पे रखा और नेगेटिव यहां पे रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी क्रिस्टल के अंदर, तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के आराम से घूम रहा था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग पाएगा। अब देखो यहाँ पे होल है तो होल पहले कहीं से भी फिलअप करने आ जा रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी आ सकता था, ऊपर से भी आ सकता था। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करवा दी तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में चलेगा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, होल्स किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस की तरफ, तो यानी कि इसके पास ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच होगा, कहाँ पे पहुंचेगा, इस होल को कवर अप करेगा, जब ये होल कवर अप होगा तो यहाँ पे एक और होल क्रिएट हो जाएगा। अब इस होल को क्रिएट करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को इसने होल को कवर अप कर दिया, तो उसने अपने पीछे क्या छोड़ दिया, एक और होल छोड़ दिया, तो इस होल को कवर अप कर
करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखो अब ये सारी सारी पैटर्न में चली हुई है, ठीक है, ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की सारी पैटर्न में हो रही है, इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जबकि होल जो है इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन वी अप्लाई द सम काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट क्रिस्टल, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन की फॉर्मेशन देखी हम लोगों ने कि क्यों ये बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और क्या देखा जनरेशन होता है चार्जेस कि जब हम 300 केल्विन पर इसको लेके गए तो क्या हुआ, बॉन्डिंग टूटने लग पड़ी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से होल्स भी क्रिएट हो रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास अवेलेबल हो रहे थे। तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो होल्स बन रहे हैं उनको कवर अप करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो रिकंबाइन करके दोबारा से बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दिस अबाउट दिस सिलिकॉन फॉर्मेशन, क्लियर होगी बात ये सारी की सारी। नाउ अब वी विल डिस्कस अबाउट दिस बैंड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो हमारे पास फॉर्मेशन हमने देखी इसको हम बैंड थ्योरी के बेस पर स्टडी करते हैं। तो देखो बैंड थ्योरी में हमने क्या देखा था, एक हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास क्या है, बैलेंस बैंड है, ठीक है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये भी हमने देखा था। तो बैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल्स होंगे, हर एक बैंड में दो ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है, ये भी हमने देखा, ठीक है, कंडक्शन बैंड जो होगा वो एम्प्टी होगा। अब देखो ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, विच इज कॉल्ड द फॉरवर्डर एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं इसको हम, फॉरवर्डर एनर्जी गैप। जब हम इसको जीरो केल्विन पर देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी सफिशियंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं है कि वो इस फॉरवर्डर गैप को क्रॉस करके कहां पे पहुंचे, कंडक्शन बैंड में पहुंचे, ठीक है। तो जीरो केल्विन पर ये एनर्जी तो थी, बट जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पर लेते हैं दैट इज 300 केल्विन, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी आ जाएगी कि यहां से ये जंप करके कहां पर पहुंच जाए, इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस कर देगा ये, अरे यहां पे ये प्रोड्यूस कर देगा होल, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, सफिशिएंट एनर्जी आ गई, तो उन्होंने क्या किया, होल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब उस होल को फिल अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, उसके नीचे वाले बैंड में भी तो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसके पास भी तो एनर्जी आ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस होल को कवर अप करेगा, फिर से ये यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा, इस तरह से ये होल पीछे की तरफ जाती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। और ये जो हमारे पास गैप होता है फॉर द सिलिकॉन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये एनर्जी गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम के लिए अप्रोक्सीमेटली होता है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बात समझ आ गई सारी है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Thank you all.